महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए तक की कटौती की है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेंगी। अगस्त महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों में बदलाव करती हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने वकील AP सिंह को राखी बांधी है। सीमा हैदर ने कहा कि वो बहुत खुश है कि उन्हें AP सिंह जैसे बड़े भाई मिले हैं। वो खुद मुझसे राखी बंधवाने मेरे घर आए, ये मेरा सौभाग्य है। वहीं AP सिंह ने सीमा हैदर के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वो हर हाल में सीमा को भारत की नागरिकता दिलवाएंगे। वकील AP सिंह ने कहा कि उनके पास काफी सारी राखियां आई हुई हैं, उनमें से एक सीमा हैदर की भी थी। उनकी माता जी ने कहा कि बहनें दूर होती हैं, उनके पास तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन जो पास में है उसके घर त्योहार मनाने जाना चाहिए। इसी वजह से वो सीमा के घर राखी बनवाने आए हैं। वो तन मन और धन से सीमा हैदर के साथ हैं और उनके बच्चों के मामा हैं। PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ की गई भ्रष्टाचार की शिकायत को उनके पति आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है। इस केस में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर ऐसे क्या वजह हो गई कि आलोक मौर्य ने एक झटके में अपने लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने जब से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तब से ही आलोक पर दबाव बढ़ा है। अपनी शिकायत में ज्योति मौर्य ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने के आरोप लगाए, खासकर एक फॉर्च्यूनर कार की डिमांड करने की बात कही। इसके अलावा ज्योति मौर्य ने यह भी आरोप लगाए कि उनके पति देवर और नंद ने मिलकर उनके व्हाट्सएप अकाउंट का क्लोन बनाया और उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को हैक करने की कोशिश की। जब ज्योति मौर्य ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकी मिली और पैसे की डिमांड बढ़ गई। ससुराल वालों की तरफ से उनके व्हाट्सएप को हैक करके ऑफिशियल मैसेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स के भी क्लोन बनाए गए और उन्हें पब्लिक में वायरल कर दिया गया। घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद मऊ पहुंचे। अखिलेश ने साफ कर दिया कि ये चुनाव केवल घोसी का चुनाव नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है। मतदाताओं ने मन बना लिया है, जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। इस विधानसभा की कोई अब सुध लेगा, इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर सिंह जी, ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं, ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो ऐसे नेता हैं, आपके बीच के हैं, जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने हाथ में हॉकी पकड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने झांसी आए थे। इस दौरान उन्होंने हॉकी स्टिक से गोल भी किया। मुख्यमंत्री का ये निराला अंदाज देखकर स्टेडियम में मौजूद भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री गोल पोस्ट करते भी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। ध्यानचंद की जयंती पर झांसी आए मुख्यमंत्री योगी का यहां जोरदार स्वागत हुआ और CM ने भी झांसी वालों को करोड़ों की सौगात दी।